हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपए इजाफे की तजवीज पेश कर दी। मिट्टी का तेल भी 15 रुपए बढ़ाने का मशवरा। दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की समरी हुकूमत को भेज दी गई। इमरान खान ने धरना खत्म कराने के लिए फौजी सालसी की हिमायत कर दी। कहा, फौज मुआहिदा ना कराती तो मुल्क में बड़ा इंतहशार होने वाला था। क्या हल्फनामे में तरमीम इंटरनेशनल लॉबी को खुश करने के लिए की गई? वजीर दाखला एक्सपोज हो चुके, मुल्क में फौरी इंतखाबात कराए जाएं, सरबरा पीटीआई का मुतालिबा। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के बैनर्स और झंडे उतारने पर बिलावल बरहम। कहा, जब जमहूरी हक छीना जाता है तो फिर दमादम मस्त कलंदर होता है। हुकूमत होश के ना खुले, हुकूमत पर 5 दिसंबर के जलसे में रुकावटें डालने का इल्जाम भी लगा दिया। शहजादा हमद बिन जासिम की कयादत में 13 रुकनी कतरी वफ्द की लाहौर में नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मुलाकात। कतरी वफ्द का कहना है कि नून लीग की पॉलिसीज की वजह से कतर ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए। पोर्ट कासिम पर कोल प्लांट के यूनिट 1 का इफ्तिताह कर देंगे। कतरी वफ्द कराची पहुंच गया। शहजादा जासिम पावर प्लांट के इफ्तिताह की तकरीब में शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट में मांगला हिल्स असखुद नोटिस केस में फैजाबाद धरने का तस्करा, हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। क्या हुकूमत गैर कानूनी तामीरात हटाने के लिए कोई मुआहिदा करेगी और आखिर में कहेगी फौज बुला दें? हुकूमत शायद अदालत पर एतबार करने को तैयार नहीं। अदालती अहकाम को साज बनकर ना देखा जाए। तारिक फजल साहब, आपको काम करना पड़ेगा। जजेस के रिमार्क्स। कराची का अमन बहाल कर दिया। बलूचिस्तान में भी अमन लाए हैं। अब इस्लामाबाद को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करनी है। वजीर दाखला एहसन इकबाल का इस्लामाबाद पुलिस लाइंस में तकरीब से खिताब। साबिक वजीर दाखला बलूचिस्तान गजैन मरी को रिहा कर दिया गया। दहशत गर्दों की सहूलतकारी के मुकदमे में इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने जमानत मंजूर की थी। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस पर धरना 5वें रोज भी जारी। रास्ता बंद, अवाम को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना। अस्सलामुअलैकुम, आज 6 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौस और मैं हूँ लिया आबिद। अभी आपको बताएंगे इमरान खान को मौजूदा हालात में मुल्क के अंदर हर मर्ज की दवा इंतखाबात नजर आ रहे हैं। आजकल कप्तान की बात इलेक्शन से शुरू होकर हुकूमत के खात्मे पर खत्म होती है। इस्लामाबाद में आज भी इमरान खान खूब गर्जे बरसे। कप्तान का कहना था कि हुकूमत मफलूज हो चुकी है, फौज मुआहिदा ना कराती तो मुल्क में बड़ा इंतशार आने वाला था, मुल्क में फौरी इंतखाबात कराए जाएं। इमरान खान की जबान पर इलेक्शन के अलावा और क्या था, आइए आपको दिखाते हैं। इलेक्शन, इलेक्शन और इलेक्शन। इमरान खान ने एक बार फिर मुल्क में कबल वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। आप अगर अर्ली इलेक्शन करवा देंगे तो कौन सी जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा? जमहूरियत को आज नुकसान पहुंच रहा है। इस्लामाबाद में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान इमरान खान ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को भी आड़े हाथों लिया। नवाज शरीफ ने जवाब देना है 30,000 करोड़ रुपया जो इस मुल्क से बाहर लेके गया बच्चों के नाम पे। इंतजार हो रहा था तो प्राइम मिनिस्टर बजाय मुल्क को लीडरशिप दे, वो जाके रायवन में कदमे में बैठ गया एक करप्ट नाहिल प्राइम मिनिस्टर के। नवाज शरीफ पर तनकीद के साथ साथ इमरान खान ने वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ के भी खाते खोल दिए। 2 बैंक अकाउंट मिले हैं ख्वाजा आसिफ के, एक डिक्लेयर्ड ही नहीं है, और एक बैंक अकाउंट के जरिए लाखों दिरहम जा रहे हैं बीवी के अकाउंट में। ये है मनी लॉन्ड्रिंग, इसको कहते हैं। कतरी शहजादे पाकिस्तान आए और इमरान की जुबान पर इनका नाम ना आए, भला ऐसा कैसे मुमकिन है? कप्तान तनकीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कतरी शहजादे पर भी जमकर बरसे। सुप्रीम कोर्ट पे भी कतरी नहीं आया, नैब के सामने भी नहीं आया, लेकिन वो जो डील की है
पोर्ट कासिम की डील है, वहाँ फौरी तौर पर पहुँच गया। इस्लाम आबाद धरने के मामले पर भी इमरान खान ने बहुत कुछ बोला कि अगर ये फौज ना ये समझौता करवाती, इस मुल्क पे इतना बड़ा इंतशार आ रहा था, हम सबको खौफ आया हुआ था। मुल्क में सियासी मौसम फिर गर्म हो रहा है। इलेक्शन का ऊंट वक्त पर बैठेगा या कबल वक्त, ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन इलेक्शन का माहौल बने ना बने, कप्तान ने इलेक्शन का मूड बना लिया है। तो इमरान खान इलेक्शन और बिलावल भुट्टो जरदारी दमादमस कलंदर के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी हुकूमत पर बरस पड़े। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने हुकूमत पर इस्लामाबाद में बैनर्स और झंडे उतारने का इल्जाम लगा दिया। वो कहते हैं कि जलसा करना हमारा बुनियादी हक है, हुकूमत होश के ना खुल्ले। बिलावल भुट्टो हुकूमत पर बरस पड़े, हुकूमत पर कड़ी तनकीद, बोले हुकूमत होश के ना खुल्ले, ओछे हथकंडों से बाज आ जाए। मामला 5 दिसंबर को पीपल्स पार्टी के इस्लामाबाद जलसे का है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि उसकी तैयारियों में रुकावट डाली जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपने बयान में हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और कारकुनों को शहरी इंतजामिया की रुकावट के बावजूद अपनी तैयारियाँ जारी रखने की हिदायत की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस्लामाबाद इंतजामिया की इजाज़त के बावजूद हुकूमत ईमा पर रुकावटें डाली जा रही हैं। पीपी के परचम और बैनर्स उतारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमीन को जानबूझकर पीपी कारकुनों से उलझाया जा रहा है, जलसा और उसकी तशहीर करना हमारा जमहूरी हक है। हुकूमत होश के नाखून ले और ओछे हथकंडों से बाज आ जाए। अगर कोई ऐसा समझता है कि चंद पुलिस एहलकारों को भेजकर जियालों को डराया जा सकेगा तो वो उसकी भूल है। तारीख शाहिद है कि जियालों से जमहूरी हक छीना जाता है तो फिर दमादम मस्त कलंदर होता है। उन्होंने कहा कि हमारा हर अमल आईन कानून और जमहूरी रिवायत के दायरे में है। इस्लामाबाद से तो सियासी झंडे भी हटाए जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत से लाहौर में धरने वाले नहीं उठाए जा रहे। लाहौर में पंजाब असेंबली के सामने मजहबी जमात का धरना आज 5वें रोज भी जारी है, जिससे माल रोड समेत दीगर इलाकों में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया है। फैजाबाद में मजहबी जमातों की जानिब से धरना तो खत्म कर दिया गया, मगर पंजाब असम्बली के सामने मुजाहिरीन मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने पर बजिद हैं। शहर भर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम है, मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है। शहरियों के लिए दफातर और मंजिल मकसूद पर पहुँचना इंतहाई मुश्किल हो गया है। जहाँ हम चेरिंग क्रॉस उतरते थे, अब हम इवान इकबाल उतर के पी आई वाली साइड से आ रहे हैं और ऑफिस से भी लेट होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पूरा राउंड वाइज करके फिर उस जगह पे पहुंचते हैं, सवारी भी लेट होती है और हमें भी प्रॉब्लम होती है। चेरिंग क्रॉस चौक से मुल्हिका मार्केट्स में तजारती सरगर्मियां भी मुतासिर हैं। दुकानदारों का कहना है कि कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। हुकूमत मुजाहिरीन से मुजाकरात करे और आवाम की मुश्किलात दूर करे। कानून है नहीं है पाकिस्तान का, कानून होगा तो कोई बात होगी ना। एक घंटा लगे घर से यहाँ तक आने में, और पहले दाएं गए हैं फिर बाएं गए हैं, लेकिन कोई इनको समझाने वाला है ही कोई नहीं है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ ने धरने के दौरान गिरफ्तार होने वाले तमाम रहनुमाओं और कारकुनों की फौरी रिहाई का हुक्म दिया है। तर्जमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि गिरफ्तार अफराद की रिहाई जज्बा खैर सगाली के तहत की जा रही है। अब आपको बताएं कि वफाक के बाद पंजाब में भी वजीर कानून के सितारे गर्दिश में हैं। धरने वालों की जानिब से वजीर कानून पंजाब राणा सनाउल्ला के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब के नुमाइंदे ज़ईम क़ादरी का मिशन सियाल शरीफ भी नाकाम हो गया है। फैजाबाद ऑपरेशन के रद्द अमल में शुरू होने वाला लाहौर की माल रोड पर धरना ताहाल जारी है। नून लीग के एमएनएस और एमपीएस की जानिब से इस्तीफों के ऐलान के मामले पर बातचीत के लिए सूबाई वजीर मजहबी अमूर ज़ईम क़ादरी सरगोधा गए और पीर हमीदुद्दीन सियालवी से मुलाकात की, जहां पीर ऑफ सियाल शरीफ हमीदुद्दीन सियालवी कहते हैं राणा सनाउल्ला यहां आकर कलमा पढ़ें और इस्तीफा दें, तभी बात बनेगी। मेरा मुतालबा ये है कि राणा सनाउल्ला को बरतरफ करो, और इन्होंने फरमाया है 3 तारीख शाम को राणा सनाउल्ला आएगा और अपना इस्तीफा मुझे दे देगा। वो ज़ईम क़ादरी ने पीर साहब को इनके मुतालबात पार्टी क़यादत तक पहुंचाने की यकीन दहानी करवाई। उनके लिए तो एजाज है यहाँ तशरीफ लाना, वो जरूर तशरीफ लाएंगे, मैं भी साथ आऊंगा,
हजरत के सामने तमाम तहफ़ुज़ात जो हैं वो हजरत के दूर किए जाएंगे। याद रहे पीर हमीदुद्दीन सियालवी के पास 12 लीगी अराकीन के इस्तीफे मौजूद हैं। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने धरने के दौरान गिरफ्तार होने वाले तमाम रहनुमाओं और कारकुनों की फौरी रिहाई का हुक्म दिया है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि गिरफ्तार अफराद की रिहाई जज्बा खैर सगाली के तहत की जा रही है। जाहिद हामिद घर चले गए लेकिन हुकूमत की मुश्किलात ना गईं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा